गुरम्मा भरातर चनबसप्पा देशमुख वर्सेस मलप्पा चनबसप्पा 1964। मरते समय चनबसप्पा के पास बहुत लार्ज एक्सटेंट में इमूवेबल प्रॉपर्टी थी। उनकी तीन बीवियां थी, नागम्मा, गुरम्मा और वेनकम्मा। उनकी दो विडो डॉटर्स भी थी, शिवालिंगम्मा और नीलम्मा। दोनों प्री डिसीज्ड वाइफ की डॉटर्स हैं। ये अलेज किया जाता है कि चनबसप्पा की डेथ के टाइम पे वेनकम्मा प्रेग्नेंट थी और उन्होंने एक मेल चाइल्ड को बर्थ दिया था। नागम्मा सीनियर मोस्ट विडो हैं और उन्होंने अपनी सिस्टर के सन मलप्पा को अडॉप्शन में लिया था। डेथ होने से पहले चनबसप्पा ने कुछ गिफ्ट्स और मेंटेनेंस डीड एग्जीक्यूट करी थी अपनी वाइफ्स विडो डॉटर इलेजिटिमेट सन के फेवर में और एक रिलेटिव के फेवर में। चनबसप्पा ने अपनी डेथ से बहुत पहले नागम्मा के फेवर में दो डीड्स एग्जीक्यूट करी थी, एक तो डीड ऑफ मेंटेनेंस और एक गिफ्ट डीड, जिसके एलियनेशन के बारे में कोर्ट ने डिस्कस किया, क्योंकि ये जो प्रेजेंट अपील है वो नागम्मा ने फाइल करी है पार्टीशन के लिए और पोजेशन ऑफ 1/6 शेयर इन दी प्रॉपर्टी। सवाल ये है कि दोनों गिफ्ट्स बाइंडिंग है फैमिली प्रॉपर्टी पे या नहीं। हाई कोर्ट ये गिफ्ट डीड सेट असाइड करती है और रीजन ये देती है कि डोनर चनबसप्पा के पास कोई पावर नहीं थी कि वो फैमिली प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे। एक गिफ्ट डीड चनबसप्पा ने एग्जीक्यूट करी चनप्पा, जो कि 7th डिफेंडेंट है, उनके फेवर में। ये गिफ्ट एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है ₹1500। डोनी डिस्क्राइब किए गए हैं डोनर के रिलेटिव और बोला गया है कि ये गिफ्ट है, टोकन ऑफ लव है फॉर द सर्विसेज विच वर एक्सटेंडेड और रेंडर्ड बाय द डोनी टू द डोनर। बोला गया कि ये गिफ्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दिया गया है डोनी को और ये कंटेंशन दी गई कि ये जो गिफ्ट है वो पायस पर्पसेस के लिए दिया गया है, इसलिए वैलिड है लॉ में। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो गिफ्ट जो कि एक रिलेटिव को दिया जाए आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन पायस पर्पसेस के लिए, क्या वो हिंदू लॉ के हिसाब से एक ऐसा गिफ्ट माना जा सकता है जो पायस पर्पसेस के लिए दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन गिफ्ट फॉर पायस पर्पसेस का मीनिंग क्या है। मिताक्षरा के चैप्टर 1 सेक्शन 1 वर्स 28 में ये साफ बोला गया है कि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल डोनेशन, मॉर्गेज या इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कर सकता है अगर कुछ डिस्ट्रेसफुल टाइम चल रहा हो, ताकि फैमिली को सपोर्ट किया जा सके। और ये भी माना जाता है कि पायस पर्पसेस के लिए भी डोनेशन, मॉर्गेज, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया जा सकता है। डिफेंडेंट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ने आगे ये कंटेंशन लिया कि मुखर्जीज हिंदू लॉ ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में ये बताया है कि हिंदू सिस्टम में कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है रिलीजन और चैरिटी के बीच में। चैरिटी को रिलीजन का ही एक पार्ट माना गया है। हिंदू सेजेस ने ये माना है कि जब डोनर चैरिटेबल गिफ्ट्स देता है पायस पर्पसेस के लिए, उसे पार एक्सलेंस माना गया है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ, एक्सलेंट या सुप्रीम माना गया है। और ऐसा गिफ्ट या डोनेशन डोनर के लिए रिगार्ड्स लेकर आता है, रिस्पेक्ट लेकर आता है। ऑथर के हिसाब से रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है हिंदू लॉयर्स द्वारा। पार्थ सारथी पिल्लई वर्सेस तिरुविंगाडे, ये माना कोर्ट ने कि हिंदू टेक्स्ट राइटर्स के हिसाब से धर्म जब गिफ्ट के संदर्भ में इस्तेमाल होता है तो वो ईष्टा और पुरुट को इंक्लूड करता है। पायस एक्ट्स की कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा एक्ट जो पायस है, जो बेनोवलेंट है, मतलब पुरपकार करने वाला, चाहे वो वेदास सैंक्शन करते हो या पॉपुलर रिलीजन के अंडर हो, और ऐसे एक्ट्स की नेचर डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ समझी जाती है।
इष्ठा का मतलब समझा गया है वैदिक सैक्रिफाइसेस, राइट्स और गिफ्ट्स, और पुरुत्वा का मतलब समझा गया है वो सारे पायस और चैरिटेबल एक्ट्स जो वैदिक सैक्रिफाइसेस से कनेक्टेड नहीं है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इससे ये पता चलता है कि पायस पर्पसेस या पायस एक्ट जो एक्सप्रेशन है उसका बहुत वाइड मीनिंग है, और हमें ये वर्ड समझने के लिए गिवन सर्कमस्टांसेस पे फोकस करना पड़ेगा। कोर्ट इस केस में ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या मैनेजर या कर्ता के पास पावर है कि वो गिफ्ट करे एक ऐसे इंसान को जो फैमिली मेंबर नहीं है, आउटसाइडर है जॉइंट फैमिली, क्या उसे प्रॉपर्टी दी जा सकती है एज अ गिफ्ट। कर्ता या मैनेजर की पावर टू एलियनेट या गिफ्ट पे हम पहले ही देख चुके हैं कि वो पावर अनलिमिटेड नहीं है, उस पे कुछ लिमिटेशंस हैं। कर्ता की एब्सोल्यूट पावर नहीं है टू एलिनेट द प्रॉपर्टी। कोर्ट ने ये माना कि ऐसी जजमेंट्स तो मौजूद है जहां पे ये पता चलता है कि कर्ता के पास पावर है कि वो थोड़ी सी प्रॉपर्टी पायस पर्पसेस के लिए गिफ्ट कर सके स्ट्रेंजर को, लेकिन कोर्ट के पास ऐसी कोई भी जजमेंट, ऐसी कोई भी अथॉरिटी मौजूद नहीं थी जिसको लेके कोर्ट ये बोल सकती कि लार्ज क्वांटिटी में पायस पर्पस के लिए स्ट्रेंजर को प्रॉपर्टी दी जा सकती है। कोर्ट ने ये माना कि जब कर्ता या मैनेजर अपनी एलिनेशन की पावर यूज करता है या गिफ्टिंग की पावर यूज करता है तो वो पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं है। हिंदू लॉ ऐसी पावर पे कुछ लिमिटेशंस लगाता है। कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस थे उसके हिसाब से ये नहीं पता चल पा रहा कि ये गिफ्ट पायस पर्पसेस के लिए दिया गया है, इसलिए कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो गिफ्ट स्ट्रेंजर को दिया गया एज मैनेजर ऑफ द फैमिली या कर्ता ऑफ द फैमिली वो वॉइड है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो डिस्प्यूट में है उसमें चनबसप्पा अपनी विडो डॉटर के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू ₹5,000 है। ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया विडोड डॉटर के फेवर में जो चनबसप्पा के घर में ही रहती हैं। ये प्रॉपर्टी एज अ डीड ऑफ मेंटेनेंस क्रिएट की गई डॉटर के फेवर में। कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि ये डीड ऑफ मेंटेनेंस जो विडोड डॉटर के फेवर में क्रिएट की गई है वो वैलिड है या इनवैलिड है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फैमिली जो प्रॉपर्टी पजेस कर रही है उसकी वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज में है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या फादर वैलिडली लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं छोटी सी बिट ऑफ प्रॉपर्टी में विडो डॉटर की फेवर में, कीपिंग इन माइंड कि वो प्रॉपर्टी उसकी मेंटेनेंस के लिए यूज होगी। जिनप्पा महादेव अप्पा वर्सेस चिमावा केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया और होल्ड किया कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के हिसाब से फादर के पास कोई राइट नहीं है कि वो स्मॉल पोर्शन ऑफ जॉइंट फैमिली इमूवेबल प्रॉपर्टी को डॉटर को गिफ्ट करे। इस केस में माना गया कि डॉटर अपने फादर की ओल्ड एज में देखभाल कर रही थी और फादर ने कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक बहुत छोटा सा पोर्शन था जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का वो गिफ्ट में देना चाहा डॉटर को, तो वो वैलिड नहीं माना गया अकॉर्डिंग टू मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। कोर्ट ने ये होल्ड करते समय ऑब्जर्व किया कि चाहे गिफ्ट स्मॉल पोर्शन का ही है पूरी प्रॉपर्टी में से, फिर भी एक चीज जो इग्नोर नहीं की जा सकती वो ये है कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग डॉटर्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में नहीं दी जा सकती। फादर की पावर लिमिटेड है टू मेक अ गिफ्ट टू हिज डॉटर और वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्ड में नहीं है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वेटो रामल वर्सेस पूचामल केस में कि सेक्शन 7 ऑफ चैप्टर 1 मिताक्षरा डील करता है विडोज अनमैरिड डॉटर्स एटसेट्रा के साथ। प्लैसिटम 10 और 11 ये प्रोवाइड करता है कि कुछ पोर्शन सिस्टर्स को दिया जा सकता है पार्टीशन के दौरान जब पार्टीशन ब्रदर्स के बीच में हो रहा हो आफ्टर फादर्स डेथ। माना गया कि ऐसा अलॉटमेंट ऑफ शेयर
जो डॉटर्स को दिया जाए पार्टीशन के समय वो ऑब्लिगेटरी है। विज्ञानेश्वरा ने जब इस अलॉटमेंट के बारे में बात करी तो एक टर्म यूज किया, इंडिस्पेंसिबली रिक्विजिट, मतलब ये बहुत जरूरी है कि पार्टीशन के समय डॉटर्स को भी कुछ शेयर अलॉट किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे सिन माना जाएगा, उसे गलत माना जाएगा। मनु चैप्टर 9 सेक्शन 118 के हिसाब से भी जो शेयर देने से रिफ्यूज करता है उसे डिग्रेडेड माना गया, इन्फीरियर माना गया। और प्लैसिटम 11 के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी का शेयर देने से मना किया जाता है तो उसे सिन माना जाएगा। माधव्या में कात्यायन की टेक्स्ट के हिसाब से फादर के पास अथॉरिटी है इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने की डॉटर्स के फेवर में। व्यवहार मयूक में भी बृहस्पति को साइट किया गया कि अगर वो चाहे तो पर्याप्त धन और भूमि का हिस्सा भी दे सकता है। देवला भी यही कहते हैं कि जो अनमैरिड डॉटर्स हैं उनको नप्शुअल पोर्शन मिलना चाहिए फादर की एस्टेट से। मनु आगे ये कहते हैं कि जब ब्रदर और सिस्टर्स की एक ही मदर है तो ब्रदर्स को अनमैरिड सिस्टर्स को एक पोर्शन अलॉट कर देना चाहिए। और कितना अमाउंट अलॉट किया जाना चाहिए वो डिटरमिन किया जा सकता है सिस्टर की रिस्पेक्टिव मदर्स के हिसाब से। और हर भाई को चाहिए कि वो 1/4 पोर्शन अपने डिस्टिंक्ट शेयर का उसको अलॉट करे, नहीं तो उसे डिग्रेडेड समझा जाएगा, उस भाई को इन्फीरियर समझा जाएगा इफ यू रिफ्यूज टू डू दैट, और ये एक सिन माना जाएगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कुडुतम्मा वर्सेस नरसिम्हाचार्यालु में कि हिंदू फादर इंटाइटल्ड है फैमिली प्रॉपर्टी में से कुछ पोर्शन मैरिज के टाइम पे डॉटर को देने के लिए, ये रीजनेबल एक्सटेंड तक गिफ्ट किया जा सकता है। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि जो गिफ्ट है वो ब्रदर ने अपनी हाफ सिस्टर को दिया था शादी के बाद, शादी के टाइम पे नहीं, लेकिन फिर भी कोर्ट ने होल्ड किया था कि ये गिफ्ट वैलिड है। कोर्ट ने इसका रीजन ये माना कि पुराने समय में हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से जो हिस्सा पार्टीशन के टाइम पे सिस्टर्स को या डॉटर्स को मिलता था वो राइट कहीं ना कहीं लूज हो चुका है, ऑब्सोलीट हो चुका है, रिडंडेंट हो चुका है। ये राइट कि अनमैरिड डॉटर्स को पार्टीशन के टाइम पे कुछ शेयर मिलेगा वो प्रैक्टिस डिसयूज हो चुकी है, वो प्रैक्टिस अब खत्म हो चुकी है। बट फिर भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन है फादर और ब्रदर्स पे कि कुछ पोर्शन प्रॉपर्टी का डॉटर्स को दिया जाए शादी के समय या फिर शादी के बाद। सुंदरम्या वर्सेस सीता अम्मा 1911 के केस में मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि एक डॉटर को 8 acres 200 acres ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से हिंदू फादर दे सकता है, ये एक वैलिड गिफ्ट है। ये गिफ्ट शादी के बाद दिया गया, इनफैक्ट ये गिफ्ट 40 years आफ्टर द मैरिज दिया गया था। कोर्ट ने ये माना कि प्रॉपर्टी गिफ्ट करना कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। बच्चू वर्सेस मनकोरे बाई में ये होल्ड हुआ कि एक गिफ्ट जो फादर ने अपनी डॉटर को किया है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू ₹20,000 है वो वैलिड मानी गई है। रामालिंगा अनावी वर्सेस नारायण अनावी में भी ये होल्ड हुआ कि डॉटर्स को एक सम ऑफ मनी गिफ्ट में दिया गया वो रीजनेबल माना गया और वो गिफ्ट भी वैलिड माना गया। ये भी देखा गया कि गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में ही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैन बी गिफ्टेड बाय फादर टू द डॉटर। सीता महालक्ष्मा वर्सेस कोटाया में भी यही होल्ड हुआ कि फादर एक मॉरल ऑब्लिगेशन के अंडर है टू मेक अ गिफ्ट ऑफ रीजनेबल पोर्शन ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ मैरिज। और माना गया कि ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं सिर्फ एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि शादी के समय डॉटर को एक स्मॉल पोर्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जब फादर गिफ्ट करते हैं तो वो वैलिड मानी जाती है
और ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट जो है वो बाकी के फैमिली मेंबर्स पे बाइंडिंग होगा। इन सारे रेफरेंस केसेस को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट केस में ये होल्ड हुआ कि जो गिफ्ट दिया था फादर ने वो वेल विद इन हिज राइट्स था, वो रीजनेबल गिफ्ट था, और फैमिली के पास जो प्रॉपर्टी थी उसका एक स्मॉल पोर्शन था। फादर ने जब डॉटर को लाइफ एस्टेट दिया, स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड दी, इन एडिशन टू डीड ऑफ मेंटेनेंस, उसको कोर्ट ने होल्ड किया कि वो वैलिड गिफ्ट्स हैं। इस केस में कोर्ट ने लीगल पोजीशन को ऐसे समराइज किया कि हिंदू लॉ के टेक्स्ट के हिसाब से एक राइट कन्फर होता है डॉटर या फिर सिस्टर पे, जिसके हिसाब से फैमिली प्रॉपर्टी में एक शेयर उसे मिलेगा एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये राइट विद पैसेज ऑफ टाइम खो गया, द राइट वॉज लॉस्ट बाय ए फ्लक्स ऑफ टाइम, पर ये राइट एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तौर पे देखी जाने लगी। फादर एक वैलिड गिफ्ट एग्जीक्यूट कर सकता है अपनी डॉटर की मेंटेनेंस के लिए, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए, और फादर को देखना होगा कि उसकी फैमिली के रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस क्या हैं। कस्टम के हिसाब से या कन्वीनियंस के हिसाब से इस किस्म का गिफ्ट शादी के समय दिया जा सकता है, बट सिर्फ शादी के समय ही ऐसा गिफ्ट दिया जाए ये जरूरी नहीं है। शादी के बाद भी, यानी सब्सिक्वेंट टू मैरिज भी, ये गिफ्ट दिया जा सकता है। ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है और ये कंटिन्यू होती रहती है जब तक कि ये डिस्चार्ज ना कर दी जाए, मतलब जब तक ये मॉरल ऑब्लिगेशन फुलफिल ना कर दी जाए, पूरी ना कर दी जाए। मैरिज एक कस्टमरी ओकेजन की तरह देखा गया है जहां तक कि ये गिफ्ट की बात है, पर ये मॉरल ऑब्लिगेशन किसी भी टाइम डिस्चार्ज की जा सकती है, चाहे फादर की लाइफ टाइम में या फिर उसके डिसीज होने के बाद भी। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कोई फिक्स लिमिट या क्वांटिटेटिव लिमिट फिक्स की जाए इस टाइप के गिफ्ट के लिए। ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस पर, और कोर्ट को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि गिवन सिनारियोज में जो गिफ्ट दिया गया है वो रीजनेबल लिमिट्स में है या नहीं है। इसके लिए कोर्ट देखेगी ओवरऑल पिक्चर कि फैमिली प्रॉपर्टी कितनी है, ये देखेगी कि नंबर ऑफ डॉटर्स कितने हैं, और कौन से ऐसे सिमिलर सर्कमस्टांसेस है जिसका रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर फादर अपने राइट्स के विद इन एक रीजनेबल गिफ्ट देता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द डॉटर, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट या एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे वो गिफ्ट दिया जा सकता है। गिफ्ट की वैलिडिटी या रीजनेबलनेस इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगी कि बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट किए गए हैं डॉटर के फेवर में, बल्कि वैलिडिटी और रीजनेबलनेस गिफ्ट की इस चीज पर डिपेंड करेगी कि क्या फादर के पास पावर है गिफ्ट करने की या पावर नहीं है।